वेलकम टू एग्जाम स्टेशन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम पूजा पटेल। आइए देखते हैं, हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान सरकार ने निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? ठीक है, जो है पाकिस्तान सरकार ने निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार का प्रत्यर्पण की मांग की है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है शाहिद खगान अब्बासी है, और सेकंड जो ऑप्शन है वो नवाज शारिफ हैं, और थर्ड जो ऑप्शन है यूसुफ रजा गिलानी, और डी वाला जो ऑप्शन है वो है चौधरी सुजात हुसैन। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसका जो है सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये मतलब सेकंड वाला इसका ऑप्शन, ये वाला सही होगा। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में, इसके फैक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, इसके क्या क्या फैक्ट हैं। और तो ये जो नवाब शरीफ था, ठीक है, नवाब शरीफ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। नवाब शरीफ पाकिस्तान सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री था, ये मतलब कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री था, और इसे जो है भगोड़ा घोषित कर दिया गया उनके प्रत्यर्पण के लिए। इमरान सरकार ने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया पाकिस्तान के, तीन बार प्रधानमंत्री बन चुका है, ठीक है। शरीफ इलाज के लिए लंदन में भ्रष्टाचार के मामले में शरीफ को जवाबदेही अदालत ने कैद की सज़ा सुनाई। किसकी सज़ा सुनाई गई है? कैद की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। और ये नवाब शरीफ का जो जन्म हुआ है वो पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था, और जो है 25 दिसंबर 1949 में हुआ था, ठीक। तो ये इसका फैक्ट था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है उसके बारे में हम देखते हैं। आइए, सऊदी अरब की सरकार तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का, मतलब कितने 75,000 करोड़ का एक करार ख़त्म करने का फैसला किया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन हैं, फर्स्ट जो ऑप्शन है चीन, नेपाल, रूस, जापान। तो ये चार ऑप्शन हो गए। इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, ये चीन। तो सऊदी अरब की सरकार जो तेल कंपनी सऊदी अमराको ने मतलब किस देश के साथ ये फैसला किया है, तो वो चीन है, ठीक है। तो आइए हम इसके फैक्ट जानते हैं, इसके क्या क्या फैक्ट हैं। तो सऊदी अरब की जो सरकार है वो तेल कंपनी अमराको ने चीन के साथ 75,000 करोड़ रुपए का एक करार ख़त्म कराने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत अमराको चीन के साथ मिलकर रिफाइंड पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी, ठीक। तो ये रिफाइंड और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी, और अरामको ने चीन की कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन और पंजिन सिनसेन के साथ फरवरी 2019 में करार किया, ठीक है। हाल ही में अरामको ने कहा कि वह रिलायंस के साथ करार को लेकर अभी भी विचार कर रही है, ठीक। आइए देखते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है खेल मंत्रालयों कितने लोगों को राजीव गांधी के खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम 7, 8, 10 और 5। जो इसका ऑप्शन होगा तीसरे नंबर का, इसका ये वाला मतलब डी वाला सही होगा। कितने लोग थे, मतलब 5 लोग थे, ठीक है। और आते हैं हम इसके फैक्ट के बारे में देखते हैं, इसके क्या क्या फैक्ट हैं, ठीक है। तो
आइए देखते हैं। तो खेल मंत्रालय ने 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में देने की घोषणा की है। अभी दिया नहीं है उन्होंने, देने की बल्कि घोषणा की है। इसमें कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं दोस्तों, तो इनको इनको तो हमें जानना ही है। तो रोहित शर्मा हो गए। और मरियप्पन टी, पैरा एथलीट्स, ये पैरा एथलीट में मतलब प्ले में है। और मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस, ये इनका कौन सा गेम है, टेबल टेनिस। और विनेश फोगाट, रेसलिंग, इनका रेसलिंग। और रानी रामपाल हो गई, ये महिला हॉकी, इन्हें ये तो बहुत फेमस है, इनको तो आप जानते ही हो, तो ये भी शामिल है। और रोहित शर्मा जो है ये मतलब अपने देश के सबसे बड़े खेल सम्मान से पाने वाले, ये चौथे मतलब चौथी बार इन्होंने क्रिकेट में जो है सम्मानित किए गए हैं। और पहले सचिन तेंदुलकर और फिर महेंद्र सिंह धोनी और फिर विराट कोहली को अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जो आते हैं हमारे, ये रोहित शर्मा है ही। हालांकि हम देखते हैं आगे क्या है। तेंदुलकर पहले भारतीय क्रिकेट थे जिन्हें 1998 में खेल रत्न का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इसके हमने फैक्ट पढ़ लिए। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन से। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह ऐसा कौन सा कप्तान है जिन्होंने मतलब कि संन्यास लिया है, और वो भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन जो है कैमरॉन व्हाइट, स्टीव स्मिथ और डैरेन लेहमन और रिंकी पॉन्टिंग। तो इसका जो कौन सा सही है देखते हैं। इसका जो सही है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं ये कैमरॉन व्हाइट। तो इनके बारे में आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या क्या थे कैमरॉन व्हाइट। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान तो रह ही चुके हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेशनल पे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा भी कर चुके हैं। और इन्होंने मतलब क्या क्या कौन कौन से टेस्ट या फिर कौन कौन से वनडे मतलब ये प्ले खेले हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। इन्होंने 4 टेस्ट और 91 वनडे और 47 T20 मैच देश के लिए खेलने वाले कैमरॉन व्हाइट ने 47 IPL मैच में भी खेले हैं। ठीक है, तो बतौर बल्लेबाज व्हाइट ने 4 टेस्ट मैचों में वे 49 रन और 91 वनडे मैचों में 2072 रन। ठीक है, 47 T20 मैचों में 90 84 रन और 47 IPL मैचों में 90 54 रन बनाए हैं। बतौर गेंदबाज इन्होंने टेस्ट में वनडे मतलब फाइव इन्होंने टेस्ट में 5 और वनडे में 12 मतलब 12 और T20 और IPL मैचों में 1-1 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो इनके ये रहे फैक्ट। हम तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्या थे कि ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, तो इसे मतलब याद कर लेना चाहिए, तो लर्निंग करना चाहिए। तो आइए हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो यूपी के बारे में है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया। मतलब यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये किस मतलब किस देश से समझौता या मतलब सहयोग की योजना योजना पर हस्ताक्षर किए इन्होंने। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शंस जो हैं नेपाल, अमेरिका और इजराइल और बांग्लादेश। तो ये 4 इसके ऑप्शंस हैं। तो इसका सही वाला आंसर कौन होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ये इसका मतलब सी वाला आंसर है। ठीक है, तो इसका सी वाला ये आंसर हो गया। 1 मिनट, हाँ ये सी वाला इसका आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। तो इजराइल के बारे में,
दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र में जल संकट की समस्या का समाधान करना है। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय मतलब ड्रिप ड्रिप सिंचाई है, ठीक है। तो ये ड्रिप सिंचाई क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेंगे। यह परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास मतलब बुंदेलखंड में तो होगा ही होगा, उसके आसपास भी मतलब जो एरिया है पानी की मतलब पानी की जो समस्या है तो उस समस्या को निपटने के लिए किया गया है। तो बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रखंड सिंचाई और पीने योग्य प्रबंध के लिए आदर्श मानी जाएगी। तो ये इसके फैक्ट रहे। वैसे ये जल के बारे में था क्वेश्चन, तो जल के बारे में भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जनजाति बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम मतलब नमत बसई प्रोग्राम चलाया है? तो कौन सा राज्य है, आइए हम मतलब उस राज्य के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन सा राज्य है। असम हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु। अब ये ऑप्शंस हो गए हमारे, तो इसमें कौन सा आंसर सही है? तो ये होगा हमारा केरल, ठीक है। तो इसका ये बी वाला आंसर इसका सही होगा। तो ये केरल जो राज्य है वो केरल राज्य की जो सरकार है वो जनजातियों के लिए मतलब मातृभाषा के लिए नमत बसई कार्यक्रम का मतलब प्रोग्राम ये चलाए हैं। तो आइए हम इसके फैक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या फैक्ट हैं। वैसे केरल राज्य सरकार जो है अपने राज्य के लिए कर रही है, तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। तो नमत बसई प्रोग्राम मतलब नमत बसई कार्यक्रम, ठीक। ये मतलब अगर कोई राज्य कर रहा है तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ वो राज्य सरकार अपने राज्य के लिए कर रही है, और फिर वो शिक्षा के लिए कर रही है। तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आजकल शिक्षा नीति भी आई है तो वो भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे मतलब देखना चाहिए। तो जो है नमत बसई प्रोग्राम जो है ये इसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने आदिवासी बच्चों के लिए घर पर ही शिक्षा की जरूरत को महसूस मतलब घर पर ही शिक्षा की जरूरत को महसूस करके सैकड़ों आदिवासियों बच्चों की उनकी ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े रखने में सफलता पाई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र शिक्षा देखिए शिक्षा केरल केरल ने विशेष रूप से 15 15 लैपटॉप वितरित किए हैं, मतलब 50 लैपटॉप जो है वितरित किए हैं। और प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं एक यूट्यूबर चैनल के माध्यम से संचालित किए गए हैं, ठीक। तो ये इसके फैक्ट रहे हैं। तो ये जो है केरल राज्य सरकार जो है कर रही है अपने राज्य के लिए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th वाला। तो 7th जो क्वेश्चन है वो वित्त मंत्रालय से है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों के जीएसटी पर छूट रहेगा? मतलब जीएसटी के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं। तो जीएसटी मतलब अब कितने लाख तक मतलब इनकम होगी कि उन्हें छूट दिया जाएगा? तो ऑप्शन है देखो 40 लाख रुपए और 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए। तो ये इसमें कौन सा इसका ऑप्शन होगा? तो ये जो है हमारी गवर्नमेंट जो सरकार है वो 40 लाख रुपए तक इजाफा की है, मतलब 40 लाख रुपए तक की छूट है। अगर आप 40 लाख रुपए मतलब वो करते हो तो वहाँ तक की छूट है, उसके बाद आपकी इनकम होती है तो आपको उस पर कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। वित्त मंत्रालय जीएसटी के बारे में जो कुछ भी होता है तो ये मतलब वित्त मंत्रालय ही करता है। मुताबिक अब फुट मतलब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबारी वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है। शुरुआत में यह सीमा मतलब ये पहले जो था वो 20 लाख रुपए तक था, और इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोगों कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले लोगों को कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं।
जिसमें उन्हें केवल 1% का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय ने बताया, जीएसटी से रोल आउट होने के बाद कर अदा करदाता आधार लगभग 2 गुना हो जाएगा। अब सोचिए, मतलब जीएसटी से रोल आउट होने के बाद करदाता आधार जो है लगभग 2 गुना हो जाएगा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है कि मतलब जीएसटी से संबंधित है तो पूछा गया है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा। 8वां क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है। देखो, अब इंदिरा रसोई योजना मतलब लॉन्च कर दी है, इंदिरा रसोई योजना। तो ये खाने से लेके है, मान चलो खाने के बारे में है। तो ऑप्शन से क्या है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक। ये कहाँ पे है, कौन से राज्य ने किया है। तो ये मतलब इसका होगा कौन सा ऑप्शन, वैसे इसका जो ऑप्शन होगा वो बी वाला सही होगा, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने जो किया है वो मतलब इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। तो इसके तहत मतलब कि गरीबों को जो है खाना मिलेगा कम पैसे में। तो आइए देखते हैं इसके फैक्ट क्या क्या हैं। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद मतलब कि ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट और पौष्टिक भोजन मिलेगी। ठीक है, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी, मतलब इस पे कितने 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से, मतलब ये भी पूछ सकता है कि किसके नाम पर यह रसोई योजना चल रहा है। तो पूर्व ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, तो इन्हीं के नाम पर यह रसोई योजना चल रही है। और राज्य के मतलब राज्य के शहरों में देखो, शहरी 213 और स्थानीय जो निकाय हैं, स्थानीय जो मतलब निकाय हैं उनके लिए 358 रसोई में चलेगी ये। राज्य सरकार प्रति थाली मतलब 1 थाली प्रति 12 रुपये अनुदान कर रही है और 8 रुपये खाने वाले से लेगा। तो कुल मिलाकर ये 20 रुपये हो जाएगा, 20 रुपये प्रति थाली हो जाएगी। इस योजना के तहत रोजाना 1,34,000 और पूरे साल में 4,78,00,000 लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, ये इसका फैक्ट हुआ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे निम्न में से किस दिन मनाया गया है। तो ये 15 जनवरी, 10 मार्च, 21 अगस्त, 12 अप्रैल। तो इसमें कौन सा सही होगा, आइए हम देखते हैं। तो ये इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, 21 अगस्त, मतलब अभी हाल ही में मनाया गया। ठीक है, तो आइए देखिए ये क्यों मनाया जाता है और इसके फैक्ट क्या क्या हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 21 अगस्त के प्रति वर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक, तो ये प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता, मतलब नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, उनकी सहायता करना। और इस दिवस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में अवगत कराया जाता है। इस दिवस के द्वारा समाज के प्रति वरिष्ठ नागरिकों के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाएगा। ठीक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेना चाहिए। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th वाला क्वेश्चन, और 10th में क्या है देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्लैक सी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो वैसे ये बहुत दिन बाद इसका इजाफा किया गया है ब्लैक सी इसके बारे में, तो इसके बारे में ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन देखना चाहिए। ईरान, इसके जो ऑप्शंस हैं वो ईरान है, इराक है, तुर्की है, जापान है, तो कौन सा होगा, तो देखते हैं। और इसका होगा तुर्की। ठीक है, ये मतलब किस देश के राष्ट्रपति ने ऐसा किया है, वो तुर्की के मतलब तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने ऐसा कहा है।
ठीक है। और ये वैसे गैस के बारे में है, तो ये मतलब कि ये एक प्रकार से एनर्जी के बारे में दिया गया है आज। मतलब कि हमारे हमारे देश में जो है एनर्जी को लेके बहुत बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा रोचक है, क्योंकि अब जो कोयला भंडार ये सब कुछ है, पेट्रोल गैस ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है भाई। नेचुरल चीज़ें हैं तो किसी न किसी दिन वो ख़त्म होना ही है, तो अब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ उपाय तो किया ही जाएगा। तो ये एनर्जी के बारे में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखना चाहिए। तो आइए हम इसके फैक्ट जानते हैं क्या है इसके बारे में। तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, फतेह नामक ड्रिलिंग, ये मतलब जहाज थी, इसे जैसे कि ड्रिलिंग होता है ना, ड्रिलिंग से हम जब ड्रिलिंग करते हैं तो वो सागर या मतलब समुद्रों में वो लहर, मतलब लहर नीचे से उत्पन्न करती है, तो वो कंपन होने लगते हैं। तो खोजा गया यह गैस भंडार 220 अरब क्यूबिक मीटर, मतलब 220 अरब क्यूबिक मीटर का है। तुर्की द्वारा वर्ष 2023 तक इस गैस के भंडार से गैस निकालकर इसका उपयोग करेंगे, मतलब कब तक, अभी नहीं, ये 2023 तक होगा। अभी तो हमारा 2020 ही चल रहा है, अभी फिलहाल कोरोना का टाइम चल ही रहा है, वो तो है ही फिलहाल, आगे क्या होगा। तो आइए देखते हैं, हम इसका प्रयोग प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा है 2023 तक। तुर्की के ऊर्जा मंत्री के अनुसार गैस गैस का यह भंडार पानी की सतह से 2100 मीटर की गहराई, मतलब 2100 मीटर की गहराई, मतलब उसके नीचे है, पानी के नीचे। यह गैस भंडार तुर्की की अर्थव्यवस्था, अब सोचो अब यहाँ जब गैस निकलेगी लोग उससे भाई अपना व्यवसाय वो करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और साथ ही साथ मतलब जीडीपी भी वहाँ की बढ़ेगी, तो वही है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी और देश के चालू खाते खाता घाटे का कम करने में बहुत सहायक होगा। तो ये हमारा आज का रहा करंट अफेयर, तो ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसे मतलब तैयार करना बहुत अच्छी बात है। आजकल के परीक्षाओं में करंट अफेयर्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।